माईसेल्फ वकार अहमद और आज मैं आपको बताऊंगा कि रोबोटिक कार को कैसे बनाया जाता है और इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं और कौन सा कंपोनेंट किस तरह काम करता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपके इलम में कुछ इजाफा हो जाए। एज आई टोल यू पीपल डेट दिस इज़ नॉट अ सिंपल कार, दिस इज़ अ रोबोटिक कार। तो इसमें पहले जो हम जिस चीज़ के बारे में बात करते हैं तो आर्डिनो है। ये आर्डिनो है और ये इस जॉयस्टिक से कमांड लेता है। अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये जॉयस्टिक है, इसको जॉयस्टिक कहते हैं और ये जॉयस्टिक इनपुट देता है आर्डिनो को। आर्डिनो प्रोग्रामिंग के मुताबिक इस इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर देगा और इसी तरह आगे कंपोनेंट को वही मैसेज देगा या वही करंट उसको मिलेगा और इस करंट के मुताबिक वो आगे वर्क करेगा। तो ये जिस तरह जॉयस्टिक से इसको कमांड आर्डिनो को मिलता है और आर्डिनो जिस तरह इनपुट ड्राइवर को देता है तो इसी इनपुट के मुताबिक वो इस स्पीड को वेरिएबल बनाती है। मतलब अगर स्पीड को ज़्यादा करना होता है तो ज़्यादा करता है और अगर स्पीड को कम करना होता है तो वो इस ड्राइवर की वजह से। उसके बाद ये पावर सप्लाई है इस कार का। ये पावर सप्लाई जो है इसमें ये जो बैटरी है ये 9 वाट है और ये जो दोनों सेल है तो ये ईच ऑफ देम आर 1.5, सो द कलेक्टिवली दिस सीज बिकम 3 वाट। तो इसका जो सारा पावर है वो 12 वाट है, 9 वाट ये है और ये दोनों को मिला के 3 वाट है, तो कलेक्टिवली दे आर 12 वाट और ये सीरीज़ में कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। इस कार में जो सोचने वाली बात है वो ये है कि ये कार टर्न किस तरह करेगा। अगर आप इस व्हील को देख ले तो इसके साथ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि वो इस व्हील को टर्न करे और इसके मुताबिक जो है वो कार अपना डायरेक्शन को ये जो है टर्न करेगा स्पीड डिफरेंशियल फेनामिना के मुताबिक। अगर मैं आप लोगों को सिंपल वर्ड में बताऊँ तो इसमें ऐसा होता है कि ये जो व्हील है इसका स्पीड ज़्यादा होगा और इस व्हील का जो है वो व्हील में स्पीड ज़्यादा होगा बनिस्बत इस व्हील के, तो इस में जो है टॉर्क प्रोड्यूस होगा और इस टॉर्क की वजह से ये जो कार है वो कार के अहम कंपोनेंट है। इसमें जो है 2 पोटेंशियोमीटर लगी है जो इसको डायरेक्शन में हेल्प करती है, जिस तरफ इसको अगर आगे बढ़ना है तो इसी तरह ये जो है ये इस तरह वर्क करता है। दो पोटेंशियोमीटर इसमें लगी है और ये कार के डायरेक्शन को आगे अगर इसको आगे जाना है पीछे जाना है अगर टर्न लेना है तो पोटेंशियोमीटर। अब हम इस कार की मेकिंग आपको दिखाएंगे कि किस तरह ये बनाया जाते। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। अगर इस वीडियो पे रिस्पांस हमें अच्छा मिला तो फिर हम इसी तरह और भी वीडियो आपके लिए बनाएंगे। कार को बनाने में कम से कम 1 हफ्ते का टाइम लगे।